बचपन से सुनते आए हैं। दीवारों के भी कान होते हैं, कई राज दफन होते हैं ईंट और सीमेंट के बीच। हर दीवार राजदार होती है, घर वालों की, पिछली पीढ़ियों की, दबी हुई सच्चाइयों की। और ऐसा ही एक सच सामने आया उत्तर प्रदेश के शहर फतेहपुर सीकरी में। काम तो अब भी आधा पड़ा हुआ बंसी जी, आखिरी आप काम कैसे करते हैं? भैया जी टाइम से हो जाएगा, आप चिंता ना करें। वैसे एक बात पूछे, आप बेचने की सोच रहे हैं क्या? सवाल पूछने के लिए इसी दिन का वेट कर रहे थे क्या कि कब दादाजी मरे और कब तुम खरीदो? जी नहीं, मेरी कहाँ औकात, वो तो आप लोग यहाँ रहते नहीं ना, तो पारस जी ही रहे थे। उनकी डेथ के बाद तो आप दोनों ही मालिक है, इसलिए बस। अरे बंसी जी ये सब छोड़िए, ये बताइए कि ये सीलिंग का काम कब तक पूरा होगा? इस वीराने में दादाजी अकेले कैसे रहते होंगे? हम दोनों के होते हुए भी उनका अंतिम संस्कार एक नौकर ने किया, उनका नेचर तो आप समझ ही सकती हैं। ऊपर से गिरा। छत में कंकाल। क्या भीड़ लगा रखी है? हेलो, फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। कहाँ है कंकाल? सर ऊपर है। चलो हम लोग तो यहाँ कुछ थे ही नहीं, दादाजी के मरने की खबर 2 दिन पहले मिली। सालों से दादाजी हवेली में यहाँ अकेले रहते थे, हम लोगों का उनसे कोई नाता रिश्ता कुछ नहीं था सर। यहाँ पे गिरा है, तुम्हारे दादाजी यहाँ अकेले रहते थे? सर दादाजी ना खबर लेते थे और ना ही देते थे, और आज तक कभी उनसे हम लोगों का कोई संपर्क भी नहीं रहा। सर अगर कोई संपर्क करना चाहे भी तो नहीं कर सकते थे, आप चाहे तो यहाँ पे खड़े लोगों से ही पूछ सकते हैं। सर हम लोग तो सालों साल से यहाँ पे नहीं आए। सर नौकर भी भाग गया, अगर होता तो अभी सारा सच सामने आ जाता। 2 फीमेल और 1 मेल। आपको कैसे पता सर? ऋषिका गौर से देखो इन दोनों कंकालों को, इन दोनों के कूलों की हड्डी चौड़ी है, इसका मतलब है फीमेल है। और ये मेल, टांग में रॉड। ऋषिका फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। जी सर। 3 बॉडीज, 2 फीमेल और 1 मेल, मेल की टांग में रॉड, कहाँ सुना है मैंने? सर कुछ मिला है सर? सर मुझे ये सामान ना इन मरने वालों को लगा है। ज्वेलरी, 3-3 लाख से वो भी इतनी ऊपर, लेकिन आई कैसे? अरे मुझे क्या पता, दादाजी से पूछ लो, कॉल कर लो। अनिरुद्ध। जी सर। पिछले 5-6 साल के केस निकालो मिसिंग फैमिलीज के। मिसिंग फैमिलीज के? तुम इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं अनिरुद्ध? 3 मेंबर्स हैं ना, राइट?
जी सर। दो फीमेल और एक मेल जो गायब हो गए और जिनका आज तक पता ना चला हो, समझे? जी सर। सिर्फ फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं, पूरे स्टेट में। जी सर। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये वही केस है जो कुछ साल पहले न्यूज हेडलाइंस थी। कौन सा केस सर? सुधा मिश्रा केस। सुधा मिश्रा? सर हम यहाँ फतेहपुर सीकरी में और वो केस मेरठ में हुआ था, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर। ये बात सोचने वाली है सर। मैं भी यही सोच रहा हूँ, इतनी दूर से लाकर मारना और फिर गाड़ना। चलो चलो हाथ पैर धो लो, खाना खाते हैं अपन, आ जाओ। पापा हम सब जब बाहर जाते हैं तब सब मम्मी को ही क्यों घूरते रहते हैं? वो तुम्हारा मम्मी बहुत सुंदर है ना, इसलिए। जाओ हाथ पैर धो, खाना खाएंगे। चलो हाथ पैर धो लो, खाना खाते। क्या हुआ? क्या गलती थी मेरी? जिंदा बच गई यही ना, पर इंसान के दामन में दाग लग जाए तो मरते दम तक नहीं जाता। अरे तो खून का इल्जाम है, चिता तक जाएगा। अरे 5 साल से तुम एक ही बात कर रही हो, अब इस बात को छोड़ो। नैतिक? हाँ नैतिक। क्या किसका फोन है? क्या हुआ, किसका फोन है? नैतिक का। उन तीनों की लाश मिल गई है। लाश? फतेहपुर सीकरी की किसी हवेली में। डर गए? डरेंगी ना सर, कारण है। 5 साल पहले तुमने एक कांड किया था, उसके सबूत मिल गए हैं। सर आप हर बार आते और हमें परेशान करते। सर सुधा एकदम बेकसूर है सर। इस बार पुख्ता सबूत मिले हैं, ले जाना तो पड़ेगा फतेहपुर सीकरी। अरेस्ट करो मैडम को। सर मेरी बात सुनिए सर, सर मेरी बात सुनिए सर, सर सर सुधा मिश्रा, नाम सुना है? नहीं सर। पेपर पढ़ते तो पता चलता। सर सुधा मिश्रा फतेहपुर सीकरी के लिए निकल चुकी है, मेरठ की टीम उसको लेकर आती ही होगी। गुड। बहुत समय नहीं बीता है जब हेडलाइंस तुम्हारे नाम हुआ करती थी। उड़गी चाय बहुत अच्छी। देखो कागज तो मैंने तैयार करा लिए हैं, और एक बार प्रक्रिया, इसमें वक्त लगने वाला है और इसमें खर्च भी काफी होगा। पर आप देखो ना, हमारे हालात तो ठीक नहीं है, पैसे भी नहीं है आप, तो हमारे पास कैसे होगा सब कुछ? मैं देख ही रहे हैं आप। अजी आपकी हालत देख कर तो मैंने पहले ही अपनी फीस कम की हुई है, और ये तो तुम भी जानते हो कोर्ट कचहरी में खर्च तो होगा ही। वकील साहब कितना समय लग जाएगा इन सब में? देखो जी इसमें 1-2 साल तो लगने वाला ही है, और ये बात तुम बखूबी जानते हो, बाकी देखते हैं क्या होता है। जी नमस्ते।
शायद दादाजी को पता होता। लेकिन उनसे पता करने के लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा। सात साल पहले एक ही परिवार के तीन लोग, मिडिल एज मैन अमर मिश्रा, उसकी वाइफ सरिता मिश्रा और उनकी बेटी 17 साल की अर्पिता मिश्रा, 21 अक्टूबर 2016 को मेरठ से अपने घर से गायब हो गए थे। वो भी परिवार की बड़ी बेटी सुधा मिश्रा के होते हुए। कोई इतनी दूर लाश को ठिकाने लगाने के लिए क्यों आएगा सर? रिश्का इस बात का जवाब सुधा मिश्रा के यहाँ आने के बाद और इन तीन बॉडीज के शिनाख्त के बाद ही मिलेगा कि कोई कैसे इतनी दूर तीन डेड बॉडीज को ला सकता है। उस बार तो कोर्ट में एविडेंस ना मिलने की वजह से अरेस्ट होने के बाद भी बची थी, लेकिन इस बार एविडेंस मिल चुका है तो भला इसी में कि साफ साफ बता दो क्यों किया और कैसे। लेके आओ उनको। सर मुझे लगता है कि इसी से पता चलेगा। सर टीम से बात हुई है, सुधा को लेकर आती ही होगी। ये सब क्या है? ये तो तुम बताओगी। मतलब? नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप किसी को झूठ मान के मेरे माँ बाप बना रहे हैं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अल्लाह हम झूठ बोल रहे हैं। देखो बाबा, दादाजी ने इस लड़की के साथ मिलकर सारा कांड तो नहीं किया? लेकिन इसने अपने माँ बाप को मारा कैसे? अरे मारा तो मारा सही, लेकिन हमारे ही घर मिला था लाश छुपाने के लिए। अब तो बता दो कि इतना बड़ा काम तुमने किया कैसे? देखो, अपनाने में ही तुम्हारी समझदारी और भलाई है। हमें हवेली सील करनी है, आप निकलिए यहाँ से। ठीक है सर, ठीक, लेकर चलो इसे। थैंक्स टू कॉर्पोरेट। श्योर। अनिरुद्ध। जी सर। पूरे मकान को सील करवाओ अच्छे से। तुम लड़की लेकर चलो। सुधा को देखते हुए उसे अपराधी मानने का मन तो नहीं करता, मगर सारी उंगलियां सुधा की ओर इशारा कर रही हैं। फिर भी यही सवाल उठता है कि ये कैसे मुमकिन है? एक अकेली महिला मेरठ से 270 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी के इतनी बड़ी हवेली में एक नहीं बल्कि तीन तीन लाशों को दफन कराई, वो भी जमीन पर नहीं छत में। एक ऐसी हवेली जहां लगभग कई सालों से रंग रोगन या कोई भी मरम्मत का काम नहीं हुआ। और इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अपने ही परिवार के तीन सदस्यों को मारकर इतनी दूर दफन करने के पीछे क्या वजह रही होगी? नामुमकिन सा दिखने वाला ये सच अपने भीतर कोई गहरा राज छुपाए है जिसकी असलियत सिर्फ सुधा ही बता सकती है। हालांकि ये सवाल उठता है, क्या ये किसी एक अकेले इंसान के हाथों मुमकिन है, और अगर है तो कैसे? इस फाइल में ऑटोप्सी और डीएनए की रिपोर्ट है जिससे ये कंफर्म हो गया है कि वो लाशें तुम्हारे पेरेंट्स और बहन की थीं। सर पर वार होने की वजह से मौत हुई है। तो बताओ तुमने ये किया कैसे? सर मैंने नहीं किया, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने खून नहीं किया है। तुम वही अपने घर में सो रही थी
और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया और तुम्हें जिंदा छोड़ दिया गया। ये पॉसिबल ही नहीं कि इसमें तुम्हारा हाथ ना हो। सर, मैं अपने परिवार को खुद से क्यों मारूंगी? ये तो तुम ही बताओगी, हम भी तो यही पूछ रहे हैं। सवाल तब भी वही था और अब भी वही है। क्योंकि आप लोग केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप लोग मुझे मुजरिम बना रहे हैं। ना कुछ सोचा ना समझा, बहस ना करो। तुम वकील नहीं हो, हमारे सवालों का सही सही जवाब दो बस। अच्छा, आपके पास कोई सबूत है मेरे खिलाफ? सर, आपके पास सबूत है कोई? सर, आप बताइए ना, आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है? आप में से किसी के पास कोई भी सबूत नहीं है। क्या गलती है मेरी, क्या गलती है? सिर्फ यही ना, खूनी ने मुझे जिंदा छोड़ दिया और मेरे परिवार वालों को मार दिया। इतनी परेशान हो तो तुम क्यों नहीं सोच लेती? फतेहपुर सीकरी की इस हवेली में उन तीनों की लाशें मिलती हैं। अगर खुद चलकर नहीं आई तो कोई तो लेकर आया होगा। तुम ही सोचकर बता दो कौन हो सकता है, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सुधा, आप सुधा को पकड़ के काहे लाए? कोई सबूत है तो दो, पर्दा छोड़ दो। ठीक है, लेकर जाओ, लेकिन शहर से दूर नहीं। जब तक हम ये केस सुलझा नहीं लेते तुम लोग यहीं रहोगे हमारी निगरानी में। मम्मी, कैसा है तू? बढ़िया है। तू कैसे आया? आने दिया माँ बाबा ने तुझे? तुमको बता के नहीं आया हूँ। खैर ये सब छोड़ो, आराम से बैठकर बात करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। आप ही गुनहगार हैं उनकी नजरों में आज भी। उनको पता चलता तो आने थोड़ी ना देते वो। तो फिर तू आया क्यों? बहुत दिन से आपको देखा नहीं था। केस के सिलसिले में आप यहाँ आई हैं, पता चला तो मिलने आ गया। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तू जा, माँ बाबा यूं ही परेशान होते होंगे तेरे लिए। चलते हैं जीजा जी। इतनी जल्दी चलते हैं? चलो, अपना ख्याल रखना। खेलते हैं। दीपू बेटा, एक काम करो, तुम अंदर जाकर अपना ड्राइंग का होमवर्क करो, जब तक मैं मम्मी से बात कर लेता। क्या हुआ? कभी कभी सोचती हूँ कि उस दिन माँ बाबा के साथ मैं क्यों नहीं मर गई। उस खूनी ने मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? मुझे भी मार देता ना, किससे ही खत्म हो जाता। अगर भगवान मुझे एक मौका और देना, मैं अपनी जिंदगी के बदले उनकी जिंदगी एक बार फिर से वापस मांग दूं। और हम भगवान भरोसे हुनो तुम्हारे साथ सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों मिलकर सारी जंग जीत लेंगे। तुम और दीपू तो मेरी ताकत हो, लेकिन ये लड़ाई अब मुझे अकेले ही लड़नी होगी। अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम दीपू का ख्याल रख लोगे ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ। ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। मुनी ने लाशें छिपाने के लिए इस जगह को कैसे चुना? मेरठ में रहते हुए फतेहपुर सीकरी को चुनना, वो भी 100 साल पुरानी हवेली की छत, जबकि उसमें पारस कोठारी रहते थे। मेरठ से 300 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी लाशें छुपाने के लिए आना, ये बात को समझ नहीं आ रही। वहीं गाड़ देती। ये काम सुधा ने अकेले किया, किया भी कैसे? सर, सुधा की शादी हो चुकी थी उस समय, हो सकता है कि दोनों ने मिलकर खेलना चाहा। सर, मेरी मेरठ टीम से बात हो चुकी है, वो इस पहेली को पहले से सुलझा चुके हैं। जिस वक्त ये कांड हुआ था उस समय सुधा का पति उस शहर में नहीं था।
लेकिन सर क्या ये जरूरी है कि सुधा ने ये सब किया हो? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोठारी और खूनी की आपस में कोई साठगांठ हो, यानी कि दादाजी यानी कि पारस कोठारी को सब कुछ पता हो, वरना कैसे कोई उनके रहते उनकी हवेली की छत पर जाकर तीन तीन लाशें छुपा सकता है सर? नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसी बात है जो सिर्फ सुधा जानती है और वो हमसे छिपा रही है। हर के तीन मेंबर्स को मार दिया और ये जिंदा बच गई, कैसे? इसी कैसे को हमें सुलझाना है। जो काम मेरा टीम नहीं कर सके वो हम करके दिखाएंगे। यस सर। कौन है? दी मैं हूं नैतिक। तू है? तू यहाँ क्या कर रहा है? अंदर आना। नहीं दीदी, बाहर पुलिस का पहरा है, अंदर नहीं आ सकता। पुलिस का पहरा? अरे छोड़ी वो सब, मैंने पारस कोठारी के नौकर का नाम और नंबर पता कर लिया है। वो कैसे? अस्पताल से। नौकर का नाम तबरेज और ये रहा उसका पता। दी अब चलता हूँ। तूने मेरे लिए जो कुछ किया मैं जिंदगी भर ना भूल सकूंगी। तू जा, तुझे कोई देख लेगा। जा। अनिरुद्ध तुम? यस सर। अंदर आओ। इस वक्त? सर वक्त की खबर किसे है सर? कभी तो पेशेंस रख लिया करो यार। सर बात ही कुछ ऐसी थी इसलिए आया सर। सर वरना नींद तो मुझे वैसे भी नहीं आएगी। कहो। सर ये फोटोग्राफ देखिए आप। देखिए सर। मुद्दे की बात करो अनिरुद्ध, कितनी बार देख चुका हूँ ये फोटो में। सर गौर से देखे सर, दोनों सीलिंग में फर्क है सर। देखे सर, सर ये वाली जो सीलिंग है ये पहले वाली सीलिंग है और ये वाली जो सीलिंग है ये नई वाली है। कैसे? सर ये देखिए, ये 2016 से पहले वाली सीलिंग। मेरा मतलब है कि पुरानी वाली सीलिंग को हटाकर नई वाली सीलिंग लगाई गई है और जो नई वाली सीलिंग है सर उसकी पट्टियों में फर्क है। देखिए सर। इसका मतलब कोठारी फैमिली झूठ बोल रही है। उनका तो कहना था कि पिछले 100 साल में उस हवेली की एक ईंट तक नहीं बदली। सीलिंग बदल दी और उसके गवाह हैं ये पिक्चर्स। इसका मतलब खूनी ने हवेली में पारस की परमिशन से एंट्री ली। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सर एक बात अभी भी समझ में नहीं, मेरठ से फतेहपुर सीकरी कुछ समझ में नहीं आया सर। अब समझ में आ जाएगी। गुड जॉब। थैंक यू सर। अब दिल्ली दूर नहीं। आप लोगों ने कुछ खाया? अगर भूख लगे तो मैं कुछ ला के दूं अंदर से। कौन है आप? आप तबरेज है ना? हाँ तबरेज। तो तुमने पारस कोठारी के साथ मिलकर 3 लाशों को वहां सीलिंग पर दफनाया था है ना? सच सच बोलो, वो तुम ही हो ना? तुमने पारस कोठारी के साथ मिलकर उन लाशों को दफनाया ना? बोलो। मैडम मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि लाशें ऊपर छत पे थी। हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि मालिक के वक्त में छत की बदली हुई थी और उसमें दीमक लग गया था। अब किसने बदली किया, कब बदली किया, ये तो मालिक ही बता सकते थे।
और उन्होंने किसी को कुछ बताया भी नहीं। उन लाशों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम मैडम, वो किसी से कुछ नहीं बताते थे। मालिक की मौत के बाद मैंने वो घर छोड़ दिया हमेशा के लिए। हाय नीलेश। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह, सब ठीक तो है? कुछ पुख्ता सबूत मिले थे, सोचा सुबह मिल लिया जाए। ये देखो। जबकि आपने ये वुडन सीलिंग का रहस्य सुलझा लिया है और ये भी पता लगा लिया कि कहीं ना कहीं खूनी का नाता वुडन कॉन्ट्रैक्टर के साथ हो सकता है, लेकिन मुद्दा फिर भी वही का वही है कि कैसे? इसी में तो आपकी मदद चाहिए। राइट, चलिए एक बार फिर से दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि खूनी ने 3 डेड बॉडीज को गाड़ी में डाला और हवेली पहुँचने तक लगभग 6 घंटे की दूरी बिना किसी चेक पोस्ट पर पकड़े तय कर लिए। एग्जैक्टली। और अगर पारस कोठारी का इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है तो उन्हीं की हवेली के अंदर उन्हीं की सीलिंग में लाशें कैसे छुपा दी? सर, क्यों ना हम ये सच सुधा के मुंह से निकलवाएं? बैड आइडिया, कुछ और सोचना होगा। मतलब पारस कोठारी मेरठ से अपना कॉन्ट्रैक्टर बुलवाता था, मतलब मेरे माँ बाप का कातिल कोई कॉन्ट्रैक्टर है? सर जी, सुधा भाग गई, पति और बच्चे को यहीं छोड़ के निकल ली। सर जी, सुधा भाग गई? तुम लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे? ना सर जी, हम तो चौकन्ने थे। देख रहा है कितने चौकन्ने थे। रखो फोन, सुधा भाग गई। What? फोन ट्रैक करो उसका जल्दी। जी सर।
देख मैं ना मेरठ जा रही हूँ। तू भाग गई? अब पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। पकड़ेगी तब छोड़ेगी ना। तू दीपू और उदय का ख्याल रखना, ठीक है? पर मेरठ वहाँ तो और खतरा है। देख खतरा तो हर जगह पे है। मेरठ और फतेहपुर सीकरी दोनों जगह की पुलिस मुझे मुजरिम बनाने पर तुली हुई है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तू बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही है। ठीक है, टेक केयर। ड्रामा है। नहीं बेटा रोते नहीं है। दीपू की मम्मी है ना दीपू के पास। कुछ भी पता नहीं चला सर। सर नहीं पता चला। किलर ने 3 डेड बॉडीज को फतेहपुर सीकरी तक ट्रांसपोर्ट एसयूवी या कार से नहीं किया, ऐसी गाड़ी में आया होगा। अनिरुद्ध 21 अक्टूबर की रात के टोल नाके के सभी गाड़ियों के नंबर निकालो और चेक करो, एक भी गाड़ी छूटी नहीं चाहिए। यस सर। यस सर। एक से टाइट कर दो, गिरना नीचे, सही से कटनी चाहिए। ये ढीले हाथ चला रहा, खा के नहीं आया क्या? क्या वो मैडम जी, ये आप ही के यहाँ का बिल है ना? हाँ बिल तो हमारे यहाँ का ही है। 20/10/2016 फतेहपुर सीकरी गई थी लकड़ियाँ। हाँ, आप बता सकते हैं कि कौन लेके गया था ये? अरे इसमें कौन बड़ी बात है, अभी बता देते हैं। टोनी वो, अरे वो खड़ा हो ना जो काम कर रहा है वो। टोनी? हाँ। अरे टोनी तेरे से मैडम मिलने आई कोई? तो तुम हो टोनी ना? आज से 5 साल पहले तूने एक परिवार के 3 लोगों का मर्डर किया और उन्हें फतेहपुर सीकरी की हवेली में दफना दिया। अब सच सच बोल कि तूने कैसे किया। मैंने कोई मर्डर नहीं किया, आपको कोई गलत फहमी हुई है। और सुनिए मैं सिर्फ अपना काम करने गया था, कोई मर्डर नहीं किया मैंने। मुझे गलत फहमी हुई है, सच सच बता वरना मैं पुलिस को खबर कर दूंगी। मैडम मेरी बात सुनिए, एक और आदमी था इस काम में, शायद उसको कुछ मालूम। एक और आदमी? हाँ। कहाँ मिलेगा वो? यही रहता पास में, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको मिलवाता हूँ। आइए आइए आइए। ये सब तो सुनसान है, कहाँ लेके आया तू मुझे? अरे मैडम आइए, वहीं चल रहे हैं उसके पास। तू कोई चलाकी तो नहीं कर रहा ना मेरे साथ? अरे मैडम वहीं चल रहे हैं उसके पास, बैठ जाइए आप। मैडम बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगी इसमें। अरे मैडम उसी के पास लेके जा रहा हूँ आपको, बैठ जाइए। तू चलाकी कर रहा है ना मेरे साथ कोई? अरे मैडम आप बैठ जाइए प्लीज। मैं नहीं बैठूंगी, मैं तुझे कह रही हूँ बैठ। सच सच बोल, तूने किया ना सब कुछ? हाँ मैंने किया। मुझे अंदर कराएगी, हैं? मुझे अंदर कराएगी, मुझे मुझे ए रोक, मुझे अंदर कराएगी, रोक।
बिल्कुल है। मुझे पकड़ने आई थी, खुद को तो बचा ले पहले। आ जा, बचा, बचा। सुधा, चल अस्पताल चल पहले। तुम यहाँ कैसे आए? मुझे नैतिक ने बताया कि तू सीलिंग सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से मिलने जा रही हो। पर मैंने तो उसे सिर्फ इतना बताया कि मैं मेरठ जा रही हूँ। देख, मैं ना मेरठ जा रही हूँ। अब पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। पकड़ेगी तब छोड़ेगी ना। तू ये सब छोड़ ना, तू हॉस्पिटल चल। क्या छुपा रहे हो मुझसे? तुझे क्या क्या मालूम है? सुधा, तो कैसी बात कर रही है तू? चल। तुम्हें कितना मालूम है ये बताओ। सुधा, बोलो क्या जानते हो तुम? बोलो ना, तुम्हें क्या पता है? मेरे सवालों का जवाब दो ना। क्या जान? बाप भी मुझको यही परेशान करते थे। मेरे सवालों का जवाब दो ना। क्या जान? बाप भी मुझको यही परेशान करते थे, इसी तरह से सवाल करते थे। तो फिर तुमने क्या किया? जैसे कि तू आज कर रही है। क्या किया तुम? और कोई इशारा नहीं। सुधा, बहुत पछतावा है मुझे। क्या हुआ, कुछ बात बनी? इंटरव्यू दिया है। एक दो दिन में बताएंगे। एक दो दिन सुन सुन के ना मैं तो तंग आ चुकी हूँ। हर दिन एक दो दिन। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ ना। कोशिश करने से क्या होता है? उधर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 2.5 महीने के बाद कभी भी हो सकता है। दवाइयों का खर्चा, अस्पताल का खर्चा, हम दो लोग नहीं पल पा रहे, बच्चे का क्या करेंगे? तो सोच सोच के दिमाग खराब हो जाता है। अरे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, मुझे पता है बच्चा होने वाला है, हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली है। जिम्मेदारियाँ? तुम ना जिम्मेदारियों का नाम मत लो। तुम्हें पता होता ना जिम्मेदारी क्या है? 100-100 रुपये उधार नहीं मांग रहे होते दोस्तों से। जिम्मेदारी है उनसे ना गलती की शादी करके। पापा सही कहते थे। हेलो बाबा। बाबा, मैं घर वापस आना चाह रही थी। तू मेरी बेटी को भगा के लेके गया ना? पापा जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन सुधा को आप ऐसे नहीं रख सकते। मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। निकल यहाँ से। 3 लोगों का मर्डर करना है। मर्डर? तो भाई पागल पागल है क्या? मैं ये सब नहीं करता, पुलिस पकड़ लेगी। 1 लाख दूंगा। 1 लाख?
माँ बाप अपनी बहन सबको छोड़ दिया तुम्हारे खातिर, और तुमने क्या किया? अरे मैं मना लेती ना उन्हें, ये सब करने की क्या जरूरत थी? देख सुधा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना नहीं रह सकता। दूर हटो, तुम खूनी हो। प्यार नहीं कहते इसे, तुमने धोखा दिया है मुझे, धोखा। खून तुमने किया और उसका इल्जाम मुझ पर लगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती सुधा। दूर आओ मुझसे। देख, मैं सब ठीक कर दूंगा, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, कोई हमें नहीं पकड़ पाएगा। और हमारा दीपू, दीपू का क्या होगा? सर, यही लोकेशन है। तू दीपू को छोड़, तुझे मैं संभालूंगा ना, दीपू को हमारे रिश्तेदार संभाल लेंगे, पुलिस तुझे फंसा देगी। कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, तुम खूनी हो, दरिंदे हो, तुमने धोखा दिया है मुझे। सुधा, सर, सुधा, इंस्पेक्टर साहब, ये है खूनी, इसने मारा है मेरे बाबा आपको, इसने मारा, ये खूनी है सर। अनिरुद्ध, पकड़ो इसे। हमें टोल नाके से कैरियर वैन का नंबर मिला था, हम उसके मालिक टॉनी का फंड ट्रैक करके यहाँ तक पहुंचे। हमें लगा कि टॉनी कातिल है, लेकिन असली कातिल तुम हो। लेकर चलो इसे। चलो 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 चलो। आसुम गानी है? हाँ, आ जाओ। कौन से आसुम खाओ बताओ? ये वाली। हाँ जी, आसुम दे दीजिए। मम्मी मम्मी पापा कहाँ हैं? बेटा पापा ना काम से गए हैं, बहुत दूर। पर तुम उदास क्यों होते हो? मम्मा है ना तुम्हारे पास, आइसक्रीम अच्छी है, चलो आ जाओ। भारतीय संस्कृति में परिवार को बहुत महत्व दिया गया है। पुरानी कहावत है कि जीने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, एक परिवार और दूसरा प्यार। यही प्यार है जो परिवार को एक डोर में बांधे रखता है, ये हौसला भी है और हिम्मत भी। मगर इस प्यार की मर्यादा होती है, और जब इस मर्यादा को तोड़ा जाता है तो जुनून का जन्म होता है। यही जुनून अक्सर जुर्म की वजह बनता है। मैं सपना चौधरी जाते जाते आप लोगों से बस इतना आग्रह करूंगी कि प्यार और जुनून के बीच का फर्क समझिए।